हेलो माय फूडीज। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज, बहुत ही डिलीशियस नेहारी की रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। तो आज हम बनाएंगे नेशनल की नेहारी, वो भी बीफ के साथ। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मज़ेदार सी नेहारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप कुकिंग ऑयल। अब हमें चाहिए प्याज। तो मैंने यहाँ पर बड़ी साइज़ की 4 अदद प्याज ली थी और उसको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है। इसमें से हम थोड़ी सी बचा लेंगे, लास्ट पर हम जब इसको गार्निश करेंगे तो उसी टाइम हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्याज को डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो चलें, जब तक गोल्डन ब्राउन होती है प्याज तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर देना है प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। तो ये देखें, प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें से हाफ प्याज को हमने निकाल लेना है और साइड पर रख देना है। इनको हम सर्विंग के टाइम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलें जी, प्याज को हमने आधा निकाल लिया है और आधा हमने इसमें रहने दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बीफ। आप चाहें तो बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, चिकन में बनाएं, जिसमें भी आपको बनानी है आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मिक्स बूटी लेनी है, यानी कि बोनलेस भी लेनी है और बोन्स के साथ भी लेनी है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 1/2 kg बीफ लिया है और इसको डाल देंगे। आप चाहें तो छोटी बड़ी बूटियाँ, जितनी साइज़ की आपको अच्छी लगती हैं उस तरीके से आप डाल सकते हैं। और इसी स्टेज पर आपने इसमें 1 teaspoon लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक के मीट का कलर चेंज ना हो जाए, अराउंड 5 to 6 minutes, ठीक है। तो 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और हमने मीट की अच्छे तरीके से लहसुन अदरक के साथ भुनाई कर ली है। तो यहाँ पे हमें चाहिए नेहारी मसाला नेशनल का, ठीक है। तो इसके पीछे आपको सारी रेसिपी लिखी हुई मिलेगी, पर थोड़ी सी हम चेंज बनाएंगे इससे। तो इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें से 1 पैकेट हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये डबल पैकेट है। तो 1 पैकेट को हम रख देंगे, जब हम नेक्स्ट टाइम नेहारी बनाएंगे तो इसको यूज़ करेंगे। और 1 पैकेट आपने इसमें पूरा का पूरा शामिल कर लेना है, ठीक है। चलें मसाले को शामिल करते हैं और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं। इस रेसिपी से पहले मैंने आपके साथ बीफ की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की हुई है, जिसको हम बनाते हैं होममेड मसालों के साथ। तो वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो नेहारी की रेसिपी मेरे घर में सबकी बहुत ही फेवरेट, तो उसको आपने लाजमी चेकआउट कर लेना है। आप मसाले में 2 teaspoon वाटर ऐड करते जाएँगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते जाएँगे, ताकि मसाले हमारे बिल्कुल भी जले ना। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप वाटर यूज़ किया था, थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने इसमें ऐड किया था और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली थी, ताकि मीट हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और मसाले इसमें अच्छे तरीके से अंदर तक चले जाए। तो मीट को भूनते हुए हमें तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे वाटर। अगर आप देचकी में बनाएंगे तो पानी आपने 10 से 12 ग्लास ऐड करने हैं, ठीक है। पर आप अगर कुकर में बनाएंगे मेरी तरह, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 8 ग्लास पानी के शामिल कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कर देंगे कवर, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो सके। अराउंड 20 से 25 मिनट्स तक आपने इसको पकने देना है, जब तक के मीट हमारा बिल्कुल टेंडर हो सके, ठीक है। अगर आप देचकी या पतीले में बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर अगर आप कुकर में बनाएंगे तो 20 मिनट में आपकी नेहारी रेडी हो जाएगी। तो तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने इसके ढक्कन को खोल लिया था और आप देख सकते हैं कि हाफ पानी ड्राई हो चुका है और हाफ अभी बाकी है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो ऑयल है, ये जो तरी है, इसको हम थोड़ा सा निकाल लेंगे जब हम इसको सर्व करेंगे, तो सर्विंग के टाइम हम इसको यूज़ करेंगे। ये देखें, ये मैंने तली निकाल ली है, इसको साइड पे कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। और इसमें से हम कुछ बूटियों को निकाल लेंगे और उसको रेशा रेशा करके वापस इसी में डाल देंगे। तो इसको मैं रेशा कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें, मैंने इसको फोक की हेल्प से रेशा रेशा कर लिया है और इसको वापस इसी पतीले में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थिकनेस के लिए आटा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है और 1 कप ही मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पानी आपने इतना शामिल करना है कि ये बस थोड़ा सा पतला सा बैटर बन जाए, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको नेहारी में शामिल कर देंगे, ताकि नेहारी हमारी थिक थिक सी बने। अगर आपको ज़्यादा नेहारी थिक करनी है तो आप ज़्यादा डालिएगा, मुझे बस नॉर्मल सी चाहिए तो मैं इसमें इतना ही ऐड करूँगी, ठीक है।
थिकनेस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप ज़्यादा आटा ऐड कीजिएगा। ये नॉर्मल आटा है जो हम घर में यूज़ करते हैं, जिसे हम रोटियां बनाते हैं, गेहूं का आटा। अगर आपके पास गेहूं का आटा नहीं है तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो आटा शामिल करने के बाद आपने इसको 10 मिनट तक इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए पकाना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको दम पे लगा लेना है। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। गोल्डन प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा कच्चा प्याज डाल देंगे, लेमन डाल देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया, और इसको आपने नान के साथ गरम गरम सर्व करना है। जो ऑयल हमने निहारी में से निकाल के रखा था वो भी इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे। तो लें जी हमारी मज़ेदार सी निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज, लव यू ऑल।